आत्मसमर्पण इनामी बदमाश गले में एक तख्ती लटकाकर थाने पहुंचा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा भूमाफिया और गुंडा तत्वों के खिलाफ एक मुहिम के तहत की जा रही कार्यवाही का असर और इधर संबल एसपी यमुना प्रसाद की ठोको नीति से डरते हुए ही पुलिस के सामने पेश हुआ है। आज जनपद संभल में उस समय देखने में आया जब एक इनामी बदमाश गले में एक तख्ती लटकाकर थाने पहुंच गया जिस पर माफीनामा लिखा हुआ था। उस बदमाश बीच सड़क पर हाथ जोड़ता हुआ और कभी भी क्राइम ना करने की दुहाई देता हुआ थाने में दाखिल हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा गुंडों और भूमाफियाओं द्वारा चलाई गई मुहिम धरातल पर नजर आ रही है, जहां पूर्व विधायकों पर अवैध रूप से अर्जित की गई जायदाद के खिलाफ कार्यवाही हो रही, तो वहीं अन्य जनपदों में भी पुलिस का खौफ बदमाशों में नजर आ रहा है। ताजी घटना संभल जनपद के नखासा थाना इलाके में उस समय सामने आई जब 15,000 का इनाम और गोकशी में वांछित चल रहा बदमाश नईम उर्फ बड़ा अपने गले में एक माफीनामा लिखी तख्ती लटकाकर हाथ जोड़ता है बीच बाजार से होकर थाने के गेट पर जा पहुंचा और पुलिस से माफी मांगता हुआ नजर आया। अपनी गलतियों को बताता है नईम, कई बार रोने भी लगा या ये कहें कि इसे संभल एसपी यमुना प्रसाद की ठोको नीति से डरते हुए ही पुलिस के सामने पेश हुआ है। जनपद संभल में अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी जो नईम है, इसने आज थाना नखासा में आत्मसमर्पण किया है। लगातार जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में इनकी संपत्ति जो अवैध धन से अर्जित की गई है, उनकी कुर्की की कार्रवाई भी चल रही थी। इसी के डर से ये बदमाश नईम उर्फ बड़ा पुत्र अमीन निवासी मंसूर माफी थाना नखासा क्षेत्र में आकर के आत्मसमर्पण किया है। ये 15,000 रुपये का इनामी बदमाश और गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी था और इसने स्वयं आत्मसमर्पण किया है। इसको पुलिस गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई कर रही है।